आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया की 75वीं सालगिरह की मालेगांव शहरियान को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने अशोक स्तंभ शहीदों की यादगार के पास एक अवामी झंडा बंधन 26 जनवरी यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के वक्त यहां करते हैं। हमारा मकसद ये है कि एक अवामी झंडा बंधन हो जिसका मैसेज पूरे मुल्क में हर वक्त मालेगांव शहर से जाए। हमेशा सरकारी झंडा बंधन स्कूल कॉलेज या सरकारी ऑफिस में लोग जाया करते थे, लेकिन अवामी जगह नहीं थी जहां आम लोग भी झंडा बंधन कर सके। आज यहां पर एक बड़ी तादाद आम लोगों की आती है जो मालेगांव शहर का वाहिद सबसे ऊंचे पोल पर एक अवामी झंडा बंधन है। हम मुल्क में देख रहे हैं कि मुल्क जो है चांद तक पहुंच गया, जौहरी तौर पर मुल्क तरक्की कर रहा है, मासी तौर पर तरक्की कर रहा है, इससे हमें इनकार भी नहीं है। मगर एक बात जो इस मुल्क को आगे मुस्तकबिल में तबाह और बर्बाद कर देंगी वो एक कलर का झंडा करने की कोशिश। पीछे 74 सालगिरह यौम जमहूरिया की हुई तो मरकजी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो परेड का प्रोग्राम होता है, जो पूरे मुल्क से लोग आते हैं, हर स्टेट के लोग आते हैं, तो वहाँ हमेशा फौज के बैंड से उसकी शुरुआत होती है। मगर ये पहला साल है जहाँ शंख बजाकर उसकी शुरुआत की गई। तो ये शंख बजाना ये कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है मुल्क को कि हम एक तहजीब में इस मुल्क को लेके जाना चाहते हैं, जो कि रंगारंग तहजीब का मुल्क रहा। जब आइन लिखा गया आज़ादी के बाद, तो 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी हमें कोई हुकूक नहीं थे। हुकूक हमें उस वक्त मिले जब 26 जनवरी 1950 को आइन हिंद लिखा गया। बाबा साहब अंबेडकर की कयादत में जो कमेटी थी उसने पेश की और मंजूर हुआ। उसके बाद हमें हुकूक मिले और उसमें तमाम ही मजाहिब के लोगों को हुकूक मिले। मगर आज सरकारें सिर्फ अक्सरियत, जमहूरियत का मतलब सिर्फ अक्सरियत नहीं है, जमहूरियत का मतलब होता है कि मुल्क में छोटा तबके से ले कर बड़े तबके तक सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले, सबको बराबर के हुकूक मिले। मगर ये संघ बजा कर ख़ास तौर से यौम जमहूरिया के मौके पर शुरुआत करना, महाराष्ट्र जैसी तरक्की याफ्ता रियासत में बुलडोज़र की सियासत शुरू करना शिंदे सरकार का, ये कहीं ना कहीं ये इशारा देता है कि एक मजहब के लोगों को दहशत ज़दा करने की कोशिश की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि वो इस मुल्क में अब दो नंबर के शहरी हैं, अक्सरियत जो है वो एक नंबर की शहरी है, एक रंग में मुल्क को रंगने की कोशिश की जा रही है। ये इस मुल्क को तबाह करने की तरफ कदम है। हमेशा तरक्की वही मुल्क किया जहाँ इत्तेहाद रहा, जहाँ सब लोगों ने मिलजुल कर मुल्क को की तरक्की के लिए कोशिश की, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे की मुखालफत हो। हमारे साथ में हमारे पड़ोस का मुल्क पाकिस्तान, उसकी क्या हालत है हम देख रहे हैं। मगर हमारे मुल्क की खास बात ये थी कि सब कुछ होने के बाद भी हम एक साथ रहते थे और तिरंगे की जो तहजीब थी, रंगारंग तहजीब, वो एक छोटा तबका हो, वो कोई बहुत कम लोग रहने वाले हो, वो पारसी हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, कहीं ना कहीं सबको लेकर चलना ही असल में जमहूरियत है। हम इसकी आज़ादी तो ज़रूर मना रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क का जश्न मना रहे हैं, मगर उस जश्न को अगर संघ से लोग बजा कर अब शुरुआत करेंगे तो ये दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं अब तिरंगी तहजीब को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए और ये चीज़ हमें सालों पहले से नज़र आ रही थी कि इस तरह की इस मुल्क में कोशिश की जा रही है, इसीलिए हमने जानबूझ के शहीदों की यादगार के पास ऐसा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की कि हर साल यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के वक्त हम इस शहर से एक मैसेज दें, जिस शहर को हर वक्त फिरका परस्त टारगेट करते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ के लोगों की निशानदेही करते हैं। इसलिए हम हुब्बुल वतनी के गाने पे
यहाँ का नौजवान तबका आके खुशी मनाता है। हम उसको ये मानते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पे खुशी बनाना चाहिए, क्योंकि आज जितना आसान मैसेज एक जगह से दूसरी जगह देना आसान है, इससे पहले कभी नहीं रहा। वो मैसेज हम कहीं ना कहीं शहीदों की यादगार अशोक स्तंभ से दे रहे हैं। और मैं इस शहर के नौजवानों से ख़ास तौर से गुजारिश करूँगा कि वो सियासत में आएँ, सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, सियासी कामकाज में हिस्सा लें, ताकि इस शहर के जो हालात बनते जा रहे हैं, इस शहर पे भी फिरका परस्तों की हर वक्त नज़र रहती है। तो ख़ास तौर से नौजवान शहीदों की यादगार पर नाम लिखाने के लिए, सियासत में अच्छा काम करने के लिए, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि सियासत को इस शहर में मायूब समझा जाने लगा या एक ऐप समझा जाने लगा, कि अच्छे लोग नौजवान इस तरफ रागिब होने की कोशिश इसलिए नहीं करते हैं कि उनके सामने ऐसा बताया गया कि सियासत जो है बहुत मायूब और ऐबदार यानी ऐब है इसके अंदर। जबकि सच्ची बात यह है कि सियासत हमेशा से अच्छी रही है, अच्छे लोग आएंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छी। किसी भी फील्ड में अगर लोग गलत आ रहे हैं, लोग ख़राब हैं, तो फील्ड ख़राब होती है। तो नौजवान सियासी तौर पर इंटरेस्ट ले, मालेगांव शहर में सियासी प्लेटफॉर्म से काम काज करें। अवामी खिदमत का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो सियासत है, और सियासी एक्टिविटीज़ के साथ वो जुड़ें, तभी इस शहर की तरक्की हो सकती है। हम जो चाहते हैं सिर्फ बोल के कि इस शहर में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जब तक नौजवान तबका सियासी तौर पे जुड़ेगा नहीं, सियासी तौर पे काम काज नहीं करेगा, अगर आईन हिंद लिखा गया तो वो भी सारे लोग, 3 साल तक जो लोग उस वक्त पार्लियामेंट बनी वो सब सियासी लोग थे, आज हम उन्हें इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते हैं। इसीलिए कि सियासत में हमेशा अच्छे लोग रहे आज़ादी के बाद से, और आज भी सियासत में अच्छे लोग हैं। आप अच्छे लोगों से जुड़िए, उनके साथ काम करिए, तो इस शहर की तरक्की होगी। मैं वापस मालेगांव शहरियान और मुल्क के तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूँ यौम जमहूरिया की, और ये उम्मीद के साथ कि हम कहीं ना कहीं इस मुल्क को रंगारंग तहजीब और तिरंगी तहजीब के साथ ही आगे बढ़ाएंगे।